नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे पास्ता रेड सॉस में। आइए देखते हैं सामग्री। एक कप बॉईल किया हुआ पास्ता, लंबे कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट और टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी बनाने के लिए मैंने उसके बीज निकाल लिए हैं और उनको पानी में उबाल के उनकी स्किन भी निकाल ली है, उसके बाद उसको प्यूरी बनाई है। तो आइए अब चलते हैं बनाने। पहले पैन को गरम करके उसमें तेल डालेंगे। तेल गरम होने पर उसके अंदर हम प्याज डालेंगे। तेल गरम हो गया है तो आइए प्याज डालते हैं। थोड़ा सा प्याज पक जाए फिर देखिए पकने लगा है थोड़ा बहुत। अब हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाले भी एक मिनट जैसा हुआ। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे। देखिए इसको लंबी काटी है, प्याज और शिमला मिर्च दोनों को लंबे काटे हैं। थोड़ी सी पक जाए शिमला मिर्च अच्छे से फिर हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी डालेंगे। ये टमाटो की प्यूरी में पानी थोड़ा ज़्यादा, पानी का भाग थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम बाद में इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर का घोल भी डालेंगे ताकि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। शिमला मिर्च पक गई है, अब टोमेटो प्यूरी डालेंगे। गैस को थोड़ा फास्ट कर दीजिए। टोमेटो प्यूरी डालने के बाद एक उबाल आ जाए तो हम उसमें पास्ता डालेंगे। पहले अब मिक्स्ड हर्ब्स डाल रहे हैं इसके अंदर। अब थोड़ी काली मिर्च, अब हम इसमें उबले हुए पास्ता डाल देंगे। थोड़ा सा रेडीमेड टोमेटो सॉस डालेंगे। इसको मिलाकर 5 मिनट ढक्कन बंद करके कुक होने देंगे। अब इसमें बाकी मिक्स करने की चीज़ें हैं वो डालेंगे। ये हमने कॉर्नफ्लोर का घोल डाला है थोड़ा गाढ़ा करने के लिए। अब नमक जो बाकी है हमारा डालना, इसको पास्ता को उबालते हुए भी इसमें पानी में थोड़ा नमक डालते हैं ताकि उसमें नमक का भाग रहे। थोड़ी सी शक्कर ताकि पास्ता एकदम खट्टा ना लगे। अब ये सब मिक्स करके थोड़ी देर हम पकने देंगे। 5-1 मिनट इसको पकने देंगे। तो देखिए तैयार है आपका पास्ता इन रेड सॉस।